साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं पुनः सोनू सरोज आपके बीच में उपस्थित। तो जुड़ जाएंगे हमारे जितने भी प्रदेश के साथी हैं, आशा करते हैं आप सब सकुशल, जो कल लखनऊ SCRT पे एक महाधरने के अभियान में जो है पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो सभी भाई बहन अपने घर सकुशल पहुँच गए होंगे और परिवार से मिल करके आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा और लगभग सारे साथियों ने मैसेज भी डाल दिया था कि हम घर पहुंच गए हैं। बात कर लेते हैं आज की विशेष जानकारी पे। उत्तर कुंजी प्रकरण सुनवाई का आदेश जो है वो जारी हो चुका है। सब जो प्रक्रियाएं हुई हैं वो सब के सब अब कोर्ट के शरण में है। संपूर्ण अपडेट के साथ मैं आपके बीच में हूँ, तो देख लेते हैं। हालांकि ऑर्डर आप लोग पढ़ना जान ही गए हैं, ग्रुप में ऑर्डर भेजा गया तो बिंदुवार आप सभी ने खुद ही चर्चा कर लिया हमसे पहले ही, और थोड़ा सा वीडियो भी आप लोगों तक लेट पहुंच रही है। तो जो साथी अभी तक नहीं देख पाए या ना समझ पाए वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आदेश आपने पढ़ाया, हम आपको सीधा सीधा मेन पॉइंट बता देते हैं। पहला नंबर तो जो सिंगल बेंच का स्टे ऑर्डर था, माफ करना, जो सिंगल बेंच का खारिज वाला ऑर्डर था, उस ऑर्डर को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया है। वो ऑर्डर खत्म हो चुका है कि हमारी जो उत्तर कुंजी की याचिका है वो खारिज है, जिसको माननीय AG साहब द्वारा बार बार कोर्ट में बताया जा रहा था कि ये याचिका सिंगल बेंच से खारिज है, इसको डबल में भी खारिज कर दिया जाए या लखनऊ बेंच में भी इसे खारिज कर दिया जाए, हर जगह उस चीज़ को जो कह रहे थे। तो वो मामला खत्म हो गया पूरी तरह से, ठीक है। अब बार बार ये नहीं कहा जाएगा या दबाव बनाया जाएगा कि उत्तर कुंजी प्रकरण खारिज हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और ये तीसरी जो काउंसलिंग होगी, तीनों जो हैं प्रक्रियाएं अब कोर्ट के अधीन हो गई हैं। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो रथ था वो पूरी तरह से माननीय न्यायालय की शरण में है। भावी भविष्य में उत्तर कुंजी प्रकरण पे जो भी निर्णय आता है वो संपूर्ण 69,000 शिक्षक भर्ती पे लागू होने की प्रबल संभावनाएं बन चुकी हैं। इलाहाबाद डबल बेंच का एक बड़ा ऑर्डर, प्रभावी ऑर्डर और ये बेहतरीन ऑर्डर है। आप सभी उत्तर कुंजी प्रकरण से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं सबके लिए एक बेहतरीन ऑर्डर है। जो साथी परेशान हो रहे हैं कि ये ऑर्डर जो याचिकाएं कनेक्टेड नहीं है उनके लिए दिक्कत हो सकती है, तो जो SLP पढ़ चुकी है इलाहाबाद में वो बिल्कुल टेंशन ना लो, सारे ऑर्डर आप पे हो जाएंगे, उसके लिए आप परेशान ना होंगे। वो टीम का अपना दायित्व है, टीम की जिम्मेदारी है, वो पूरा कर लिया जाएगा, उसके लिए आप कतई परेशान ना हो। अब जरूरत है बेहतरीन पैरवी, बेहतरीन रिजवाइंडर और बेहतरीन बहस की, बेहतरीन साक्ष्यों को, प्रूफों को, वो अवेलेबल करा दिया जाए माननीय न्यायालय में, फिर आपकी बात और तगड़ी हो जाएगी और आप पूरी तरह से इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको काटना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर माननीय सरकार को भर्ती करनी है या कुछ चीज़ें होती हैं तो उन्हें माननीय न्यायालय में ये चीज़ें जो है बतानी होगी। वो कुछ भी करे, आपकी सारी चीज़ें एक प्रकार से ये है जैसे सीटें होल्ड जैसी संभावना, यानी कि आप सुरक्षित हैं, आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। तो आप कतई जो है इस चीज़ को दिमाग में ना लाएं, आप सुरक्षित हैं, परेशान ना हो और किसी भी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि आप लोग व्यक्तिगत रूप से कल मिल चुके हैं और सारी साथियों से मिला गया है, सब जानते हैं कि कौन में किस प्रकार की भावनाओं के साथ आप लोगों से जुड़ाव है, किस प्रकार से लगाव है। तो ये सारी चीज़ें रहीं, सारी जानकारियाँ रहीं। और जो अगर देखना चाहते हैं आप ऑर्डर, तो ऑर्डर की निचली लाइन आप देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। हमारे पास हिंदी है, अंग्रेजी फार्म उस वहाँ से खोलना पड़ेगा। इस बीच में कोई भी नियुक्ति जो चयन प्रक्रिया के अनुसार पहले ही की जा चुकी है इन अपीलों में निर्णय के अधीन होगी, ठीक है। तो जो SLPयां पड़ी है स्पेशल अपील उसके अधीन होगी जो भी नियुक्तियां हो चुकी हैं, ठीक है। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के वो माननीय न्यायालय के समक्ष उनकी शरण में है। जो भी आपके लिए आएगा वो आप सभी के लिए बेनिफिट होगा। अब हमारा काम है माननीय UGC को रिपोर्ट जाए और UGC के बाद जो चीज़ें आए वो हमें मिले। हमें सरकार द्वारा गठित कमेटी जो है एक्सपर्ट कमेटी, उसकी रिपोर्ट कतई मंजूर नहीं, हमें UGC की रिपोर्ट चाहिए। UGC की रिपोर्ट हमें माननी है क्योंकि वहीं से हमें न्याय मिल सकता है, वहीं से चीज़ें मिल सकती हैं। तो बाबा गोरखनाथ के नाम पे जो कल हमने हंगामा आप लोगों ने बताया है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद भी हमारे साथ है और डबल बेंच इलाहाबाद के सीनियर अधिवक्ता जो है उनकी तगड़ी बहस भी जो है आज कारगर साबित हुई और बेहतर तरीके से रिजल्ट हमारे सामने है। तो वहाँ की टीमों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभिषेक श्रीवास्तव जी, रोहित शुक्ला जी हैं और दो याचिकाएं और भी पड़ी हैं, तो उन सभी टीमों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है हमारी तरफ से कि बेहतर कार्य जो है हम समस्त उत्तर कुंजी
पीड़ित जो भी साथी हैं सभी के लिए हितकर और बेहतर है। और आशा करते हैं अभी फिर भी कभी जरूरत पड़ी तो पूरा संगठन उत्तर कुंजी का मिल करके हम एससीआरटी या प्रयागराज जहां भी अवेलेबल होना होगा एकजुट होकर के एक भारी संख्या में उपस्थित होंगे और वहां अपनी बातों को रखकर माननीय सरकार को फिर से जगाने की कोशिश करेंगे। तो मिल दूंगा मैं फिर से बेसिक विभाग की हलचल और तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।